नमस्कार मेरे शिरोशेनियों, मैं अरविंद चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे ऑफिशियल चैनल पेपर हैकर में। जैसा कि आप सभी को पता है, रोज़ शाम 4 बजे आपके लिए क्लास लेकर आता हूं, जिसमें मैं आपको क्या पढ़ा रहा होता हूं, CBSE क्लास 10, ठीक है, उसकी NCERT ख़त्म करा रहा होता हूं। उसी के सीरीज़ में हम लोग आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं। उसके कॉन्सेप्ट जितने भी थे वो लास्ट वीडियो में पढ़ा दिए गए हैं आपको, आज हम उसके ऊपर क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को जुड़ जाइए और ज़्यादा से लोगों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं उसमें हमें क्या करना होगा। ये एक्सरसाइज 7.1 है आज। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, आप पढ़ने की कोशिश करेंगे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। बट आपको दो पॉइंट दिए हुए हैं और आपको बेसिकली इनके बीच में डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है बेटा? डिफरेंस निकाल के आपको दिखाना है। तो आपको जिसने मेरी पुरानी वीडियो देखी है उसको बेटा एक फॉर्मूला बताया गया था, अगर उसको याद हो तो। एक फॉर्मूला बताया था बच्चे, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये था क्या बच्चे? डिस्टेंस फॉर्मूला कहा गया था ऐसे, ठीक है। ये डिस्टेंस फॉर्मूला था। इसमें क्या करना है हमें कि दो पॉइंट्स जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स वाई प्लेन वाले एक्सिस में, अगर आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, तो ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। जो नॉर्मल डेली लाइफ में हम फॉर्मूले लगाते थे, पाइथागोरस थ्योरम वगैरह वगैरह, वहाँ से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमें दो पॉइंट्स गिवन होते हैं, एक्स एक्सिस वाला और वाई एक्सिस वाला। एक्स एक्सिस पर एप्सिसा होता है, वाई एक्सिस पर ऑर्डिनेट होता है, ये सब पुराने वीडियो में पढ़ चुके हैं आप। तो यहाँ से हमें वो फॉर्मूला बनाया, √x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो करना क्या है, इसी फॉर्मूले की हेल्प से हमारी पूरी 7.1 खत्म होने वाली है। 7.2 में कुछ और आएगा, उसको हम तब पढ़ाएंगे। अभी 7.1 में जितने भी क्वेश्चन हैं, A to Z जितने भी क्वेश्चन हैं, वो सारे के सारे इस फॉर्मूले के थ्रू होने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपको पहले क्वेश्चन बड़ा प्रैक्टिस के लिए आपके लिए हैं, ताकि आप फॉर्मूले को अप्लाई करना सीख पाएँ, ठीक है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। आप किसी भी पॉइंट को बेटा, जैसे ये है, इसमें आप किसी को भी x1 y1 मान लो और एक को x2 y2 मान लो। ये डिपेंड नहीं करता कि आप इसको x1 y1 मान रहे हैं या फिर उसको मान रहे हैं। जिसको भी आप मान रहे हैं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, लेकिन अप्लाई करते टाइम जिसको x2 माना है उसी को x2 मान के पुट करना, पता ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर आपने कुछ और लेट कर लिया और फॉर्मूले में आप कुछ और लेट लगा रहे हैं। जिसको भी आपने x2 y2 माना है, नो मैटर किसको भी माना हो, लेकिन पुट करते टाइम उन्हीं की वैल्यूज पुट करिएगा। x2 की जगह x1 पुट करने की गलती बहुत हो जाती है बच्चों से, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा काफ़ी सारे क्वेश्चंस की, जिससे ये गलती की गुंजाइश जो है आपके लिए वो ख़त्म होने वाली है, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। मान लीजिए हमने बेटा 2 और 3 को ही क्या मान लिया, x2 y2 मान लिया, ठीक है। इसको मान लिया मैंने x2 बच्चे, इसको मान लिया y2, इसको मान लिया x1, इसको मान लिया y1, ओके, ठीक है ना। तो होगा क्या फॉर्मूले के थ्रू, फर्स्ट पार्ट में x2 बेटा क्या होता है, x2 - x1 बेटा, x1 कितना है हमारा 4 का स्क्वायर, है ना, प्लस क्या होता है बच्चे फॉर्मूले में y2, बेटा y2 मैंने क्या माना है 3, माइनस y1 बच्चे क्या होता है, y1 कितना माना है 1, और इसका क्या करना है हमें स्क्वायर। जैसा फॉर्मूले में वो कह रहा है वैसा आप पुट करते जाइए, इतना कोई हार्ड नहीं है, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है, काफ़ी आसान होगा, ठीक है ना। आगे जाके थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लेक्स होंगी, वहाँ पर हमें ध्यान ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी सिर्फ और सिर्फ आप समझते जाइए और हंसते हुए मुस्कुराते हुए पढ़ते जाइए, ठीक है। तो करना क्या है आपको, सिंपल कैलकुलेशन करनी है बच्चे, 2 - 4 बेटा -2 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 कितना होता है बच्चे 2 का स्क्वायर, ओके। इसको अगर आप सॉल्व करना चाहेंगे तो बेटा यहाँ से क्या निकल के आएगा, -2 का स्क्वायर भी बच्चों प्लस का 4 होता है और 2 का स्क्वायर तो 4 होता ही होता है। तो बेटा यहाँ से क्या निकल के आया हमारा, √8 आया। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बच्चे, 2√2। अगर आप लिखना चाहें डिस्टेंस है तो ये यूनिट्स में लिख दीजिएगा इस तरीके से, ये मत लिखना बेटा मीटर सेंटीमीटर, यहाँ नहीं चलता, क्योंकि हमें क्या पता बेटा डिस्टेंस मीटर में लेना है सेंटीमीटर में, यहाँ पर आप यूनिट्स लिखेंगे, 2√2 यूनिट्स, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। हमें इसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं थी, इसमें सिर्फ आपको ये सिखाना है कि फॉर्मूले में x1 y1 कैसे लेना है और x2 y2 कैसे लेना है और उनको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है ना। यही बात मुझे ज़्यादा समझानी है कि कुछ आप रटिएगा नहीं कि पहले वाले को x2 y2 लेते हैं, दूसरे वाले को x1 y1 लेते हैं, किसी को भी आप ले सकते हैं,
बस आप पुट ध्यान से करिएगा उसको फॉर्मूले में, ठीक है? ये हमारा पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट पे चलते हैं बेटा, थोड़ा सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं, ठीक है ना? सेकंड पार्ट क्या कह रहा है बेटा हमारा, -5.7 एंड क्या है बेटा दूसरा पॉइंट, -1.3, ठीक है ना? इस पे भी वही चीज करेंगे, एक को एक्स टू वाई टू मानेंगे और एक को एक्स वन वाई वन मानेंगे। ओके, तो करेंगे क्या आप, इसमें एक्स टू वाई टू मान लीजिए आप पहले वाले को, ठीक है? नॉर्मली यही करते हैं बच्चे, इसको क्या मान लो, एक्स टू वाई टू मान लो और इसको एक्स वन वाई वन मान लो, ठीक है ना बच्चे? यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, थोड़ा सा वीडियो से जुड़े रहेंगे, थोड़ा सा अगर आपको ये आता है तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अभी ऐसे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जो आपको भी प्रॉब्लम करेंगे, वहाँ पर आप भी सीखेंगे कुछ, हो सकता है काफ़ी बच्चों को ये सारा आता हो, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है, लेकिन कराना मेरा फर्ज है। मेरा क्या प्रॉमिस है आपसे, एक एक क्वेश्चन कराना है एनसीईआरटी का, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आना चाहिए हमारी वीडियोस से, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को करा रहे हैं। बेटा क्या होगा बेटा, यहाँ से अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन, बेटा एक्स टू कितना है -5, माइनस एक्स वन माइनस है तो बेटा ब्रैकेट में लगा लीजिए इसको, क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस वाई टू माइनस, देखो बेटा क्या था, वाई टू ने कितना माना है बेटा 7 -3 का होल स्क्वायर, ठीक है? ओके प्लस है, ओके एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत बेटा, इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ से। बेटा ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बता दो, माइनस माइनस हो जाएगा बच्चे प्लस, ठीक है? तो -5 + 1 इसका मतलब क्या हो गया बच्चे, ये -4 का स्क्वायर प्लस बेटा ये कितना 7 - 3 कितना होता है बच्चे 4 का स्क्वायर, ओके? जैसा पिछली बार 2 बन रहे थे, इस बार 4 बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। -4 का स्क्वायर बच्चे कितना होगा 16 और अगले +4 का स्क्वायर कितना होगा 16, इसको लिख देंगे 32 का रूट। अब इसको भी रूट सॉल्व कर सकता है बच्चे, इसको कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं पता है किसी को, है ना? चलिए आपको अगर नहीं पता है तो बहुत अच्छी बात है, हम ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने 8 को लिख दिया छोटा नंबर था। अब 32 हम कैसे लिख पाएंगे वो भी हल्का सा बता देते हैं बच्चे। अब बड़ा हर टाइप का बच्चा होता है, वैसे बहुत कुछ भी आता है, किसी को कुछ भी नहीं आता है, तो कुछ भी नहीं बताने वाले कुछ भी बता देते हैं बेटा। इसके बेटा पेयर बनाते हैं, ठीक है ना, 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1, है ना? ये इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। अब हम रूट लेते हैं, तो रूट में आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा तो यहाँ सुन लीजिए, 2 2 का पेयर बनाया जाता है बच्चों, ठीक है? 2 2 का पेयर बनाया जाता है, तो यहाँ पर एक पेयर बन रहा है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना? आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बेटा क्या बन रहा है, एक पेयर बन रहा है, एक यहाँ पेयर बन रहा है, तो इस पेयर से 2 का पेयर है ना, तो 1 एक नंबर बाहर निकलेगा। यहाँ पर 2 है 2, लेकिन एक निकलेगा यहाँ से, एक 2 निकल के आएगा, एक यहाँ से 2 निकल के आएगा, तो 2 2 4, ठीक है ना? 2 2 4 बेटा, जिसका पेयर बन जाता है उनकी नॉर्मल मल्टीप्लाई होती है, जिस बेचारे का पेयर नहीं बनता ये इकलौता रह गया है, इसको रूट के अंदर लिख देते हैं, इसको रूट के अंदर लिख देते हैं और यही बन जाएगा क्या, यूनिट्स, ठीक है ना? 4√2 यूनिट। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है ना? आप कमेंट से बता देंगे कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है? आसान लग रहा है या कठिन लग रहा है, प्लीज अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करें हमसे, ठीक है? चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला बड़ा पार्ट कह रहा था हमारा कि ये है हमारा ए और बी, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं एग्जाम्स में, a, b और -a, -b। तो इसमें क्या करना होगा हमें, इसमें भी बेटा करना वही कॉन्सेप्ट है x2y2 और x1y1, लेकिन a और b की फॉर्म में चलेंगे ये, ठीक है? a और b की फॉर्म में चलेंगे, तो कोई बात नहीं, चलो देखते हैं जरा इसको भी, इसको भी संभाल लेंगे बेटा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन संभाल लिए हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के, तो फिर ये कैसा क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। आओ जरा देखते हैं इसको, क्या कह रहा है बेटा, a, b एंड -a, -b, ये कह रहा है। तो बेटा एक को मान लिया x2y2 और एक को मान लिया बेटा x1y1, ओके? अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, x2 - x1 मतलब a माइनस, अब माइनस a है तो एक बार ब्रैकेट में रख लीजिए। ये आपको मैं सलाह देता हूँ कि जब भी कोई चीज़ माइनस में आए तो उसको ब्रैकेट में रखने की
प्लीज प्लीज कोशिश करें, ठीक है। अगला है बेटा b माइनस, बेटा एफ प्लस, b माइनस माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है ना बेटा। इतनी बात समझ में आ गया लोगों को, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, क्या हो जाएगा, a माइनस माइनस बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस का होल स्क्वायर प्लस, बेटा यहाँ पर माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, बी प्लस बी का होल स्क्वायर, ओके। अब हुआ क्या यहाँ से कि ये हो जाएगा बच्चों टू ए का होल स्क्वायर प्लस टू बी का होल स्क्वायर। देख लो कोई जल्दबाजी नहीं है बेटा, क्या आ रहा है यहाँ पर, ए प्लस ए आ रहा है, ठीक है। ए प्लस ए आ रहा है और बी प्लस बी आ रहा है, तो ए प्लस ए हमारा टू ए हो गया, बी प्लस बी हमारा टू बी हो गया। अब इसका अगर हम स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा बच्चों, फोर ए स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर, ठीक है ना, फोर ए स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से करेंगे क्या हम लोग, फोर ए कॉमन, फोर कॉमन ले लेंगे, फोर दोनों में आ रहा है, फोर हमारा दोनों में आ रहा है, दोनों में, ठीक है। तो ये हो जाएगा फोर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों। इतनी बात समझ में, मैं जो आपको स्टेप बताने जा रहा हूँ वो जरा ध्यान से सुन लेंगे आप, ठीक है ना। यहाँ पर हो क्या रहा है, फोर भी है, फोर ये रूट है ना, ये फोर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों के ऊपर लगा हुआ है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो दोनों के ऊपर रूट लगा है। अब अगर आप इनको स्प्लिट करना चाहेंगे तो बेटा फोर है, फोर पे रूट लगा है तो फोर का तो हमें मिल जाएगा कितना, टू, और ये क्या रूट के बाहर आ जाएगा। लेकिन बेचारा जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, ये बेचारा रूट में ही फंसा रह जाएगा, यहाँ पर ये आंसर हमारा आने वाला है, ठीक है। दिख रहा होगा आपको, मैं बोल भी रहा हूँ, टू हमारा ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, रूट के बाहर, और अंदर रहेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा थर्ड पार्ट खत्म हुआ यहाँ पर, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ यहाँ पर, तीन पार्ट्स थे आपको, पहला पार्ट का सोल्यूशन ये रहा आपके सामने, सेकेंड पार्ट का सोल्यूशन ये रहा आपके सामने, और थर्ड पार्ट का सोल्यूशन ए और बी की टर्म्स में था, ये आपके सामने मैंने करके दिखा दिया है, ठीक है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर देंगे तो हमारा काफ़ी कल्याण होगा, यही हम आपसे कामना करते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा गुस्सा मांगते नहीं बेटा आपसे हम, ठीक है। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स बिटवीन दिस एंड दिस, आपको क्या करना है, इसमें एक पॉइंट दे दिया है 0,0, ये तो बेटा बहुत ही आसान हो गया, इसमें तो एक की तो वैल्यू ही हमें आसान सी दे दी है 0,0, और दूसरी की दे दी है इसकी, तो बेटा इसको मान लो एक्स टू वाई टू, इसको मान लो एक्स वन वाई वन। आप कहोगे सर इसको क्यों मान रहे हो, बेटा आप इसको भी मान सकते हो, मैंने आपको पहले क्वेश्चन भी बताया कि आप किसी को भी मानिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप जब उसको पुट करें तो ध्यान दें कि किस जगह पर क्या पुट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन को करेंगे, क्या होगा बेटा, अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन बेटा 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये रूट लग गया बेटा, ठीक है। कितना आएगा बच्चों यहाँ से, 36 माइनस 0 बेटा 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। अगर आपको लगता है कि सर ये फॉर्मूला ना लग के एक और फॉर्मूला भी है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर कहीं पर ओरिजिन के साथ डिस्टेंस निकालना होता है तो सिंपली आपको जो पॉइंट दिया ना ओरिजिन के अलावा, उसके एक्स और वाई को स्क्वायर कर दीजिएगा, उसका सम कर दीजिएगा, आपका डिस्टेंस निकल आएगा। क्या बोला मैंने, अगर आप जैसे वो दो पॉइंट अगर अलग अलग दिए हैं, ओरिजिन नहीं दिया है, ओरिजिन नहीं दिया है, तो आप क्या करते हैं, अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर करते हैं। लेकिन अगर एक पॉइंट उन दोनों में से ओरिजिन दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली जो आपको ओरिजिन के अलावा दूसरा जो पॉइंट दिया है ना, उसके एक्स का स्क्वायर कर देंगे और उसके ही वाई का स्क्वायर कर देंगे और दोनों का ऐड कर देंगे, आपका डिस्टेंस निकल चुका होगा। इस फॉर्मूले की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको मैंने हल्का सा आइडिया बता दिया कि ये भी चीज़ होती है, अगर आपके दिमाग में रहेगी सर ने ये चीज़ बताई नहीं हमें तो पता थी, तो आप देख लीजिए ये भी एक लॉजिक होता है, ठीक है। इसका स्क्वायर कर देंगे बेटा, कितना स्क्वायर होगा इसका, 6 × 36 थ्री कैरी, 6 × 18 18 36 39 थ्री कैरी 12 आ गया बेटा, ठीक है। प्लस इसका बेटा क्या करेंगे, 2 2 5, ओके, इसको ऐड कर लेंगे बेटा, 6 5 11 वन कैरी, 9 2 11 टू वन कैरी, 12 14 15 1521 बेटा इसका आ रहा है। इसका रूट निकालेंगे, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। चलिए
इसका रूट निकालेंगे, बिल्कुल वही पेयर करने वाले हैं बेटा हम लोग, इस तरीके से आपको सिखाया मैंने अभी आपको करने में। दिस वन, इसका रूट निकालने का आपको होमवर्क रखता हूँ मैं, इसको ज़रूर सॉल्व करिएगा, आप बताइएगा कमेंट्स में इसका आंसर क्या आया आपका, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन बेटा, यहाँ पर टू क्वेश्चन कर लीजिएगा, ये हमारे टाइपिस्ट भाई साहब कुछ गलती कर देते हैं, ये टू क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन आ गया, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स, हाँ ये बेटा क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलता है एग्जाम में, कोलिनियर है ना, ये कोलिनियर वाला एग्जाम में काफ़ी पॉइंट देखने को मिलता है, बच्चे कहते हैं सर इतना पढ़ा हमने इतना, ये कोलिनियर कहाँ से आ गया, है ना, तो उसको भी हम आपको समझाएंगे आज बेटा। होता क्या है, कोलिनियर का मतलब होता है कि कोई पॉइंट्स अगर सेम लाइन में अगर लाई कर रहे हैं, मतलब थ्री पॉइंट्स अगर सेम लाइन में लाई कर रहे हैं तो वो कोलिनियर है, और अगर थ्री लाइन्स मतलब तीन और एक लाइन में नहीं है, थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है ना, थोड़ा सा अगर ऊपर है तो क्या होता है, चाहे वो बेटा थोड़ा सा ही हो लेकिन क्या बन जाएगा, फिर एक छोटा सा ट्राइंगल बन जाएगा, और जितना ज़्यादा दूर होते जाएंगे ये उतना ज़्यादा एक बड़ा ट्राइंगल बनता जाएगा। तो कोलिनियर का मतलब है एक स्ट्रेट लाइन में, और अगर हल्के से भी वो स्ट्रेट लाइन से भटके तो क्या बन जाएगा, हमारा एक ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है। तो हमें इसमें शो करना है कि क्या ये कोलिनियर है या नहीं है, ठीक है। तो कोलिनियर पहले तो आप इनके डिस्टेंस निकाल लीजिए, इतना काम कर लीजिए, पहले क्या होगा बेटा, इन दोनों का निकाल लीजिए डिस्टेंस बेटा क्या होगा, इसको बेटा ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, और इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। आपको ए बी निकालना है, ए सी निकालना है, और बी सी निकालना है, तीनों चीज़ें आपको निकालनी है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो आपको कोलिनियर को सॉल्व करना है, कोई भी दिक्कत नहीं है बेटा, पहले आप डिस्टेंस निकाल लीजिए, सारा काम खत्म मैं करवा दूंगा आपका बस, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। ए बी अगर आप निकालें तो क्या निकालेंगे, पहले ए बी निकालेंगे तो क्या होगा बेटा, एक्स टू इसको मान लो, किसी को भी मान लो बेटा, एक्स टू माइनस एक्स वन कर लो, चलो वन माइनस टू का स्क्वायर, मैंने इसको एक्स टू टू बाई टू माना, इसको एक्स वन बाई वन माना यहाँ पर, तो वन माइनस टू का स्क्वायर प्लस फाइव माइनस थ्री का स्क्वायर, समझ में आ रहा है बच्ची, अब तो आपको आदत लग रही होगी धीरे धीरे, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, यहाँ पर बेटा क्या निकल के आएगा हमारा, वन माइनस टू कितना होगा बेटा माइनस वन, ठीक है ना, माइनस वन का स्क्वायर प्लस फाइव माइनस थ्री कितना हो जाएगा टू का स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से हमारा सॉल्व करके आने वाला है, टू का स्क्वायर बच्चों फोर होता है, माइनस वन का स्क्वायर कितना होता है वन, तो फोर प्लस वन रूट फाइव। ए बी साइड हमारी आपके पास आगे रख ली है, इसको रख लेंगे अपने पास, ठीक है ना, ओके इसको रख लेंगे अपने पास और आगे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे सॉल्व, अब निकालेंगे बेटा हम बी सी निकालेंगे, चलो बी सी निकालते हैं, मेहनत करो बेटा तभी कुछ हो पाएगा लाइफ, ठीक है ना। बी सी निकालने के लिए कुछ भी मान लो बेटा, इसको एक्स टू मान लो, वाई टू मान लो, इसको एक्स वाई वन मान लो, क्या हो जाएगा बेटा, टू माइनस माइनस टू का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये बेटा एक्स टू वाई टू माना है, वो एक्स वन वाई वन, तो टू माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस थ्री माइनस वाई वन कितना है माइनस इलेवन। फिर से कह रहा हूँ, जब ये माइनस का आएगा तो ध्यान देंगे उस पर आप, ठीक है, माइनस जब इंसान जब आएगा तो आप क्या करेंगे, उसका ब्रैकेट में ज़रूर लिखेंगे, वरना प्रॉब्लम हो जाती है बेटा बहुत ज़्यादा कभी कभी एग्जाम्स में। क्या होगा यहाँ से बेटा, टू माइनस माइनस प्लस होता है बेटा, डाइट करना कोशिश करेंगे बेटा, ये प्लस का हो जाएगा, टू और टू फोर, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, प्लस बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 और 3 14, 14 का स्क्वायर बच्चे 196, ठीक है बेटा, ये कितना आ गया हमारा यहाँ से, बोलो भाई 212, ओके 212 यूनिट्स वगैरह बार बार लिखते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी निकल के आ गई बेटा BC, अब हमें एक साइड और निकालनी है AC, ठीक है ना, AC साइड और निकालनी है हमें, वो भी निकाल लेंगे। AC के लिए हमें क्या करना होगा, ए के पॉइंट से बेटा 1.5, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ 1.5, और सी के पॉइंट से बेटा माइनस टू माइनस इलेवन, ये दोनों पॉइंट्स मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। अब किसी को भी आप एक्स टू बाई टू मान लो, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, क्या करोगे आप, इसको मान लो एक्स टू बाई टू, चलो वन माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स वन कितना है बेटा माइनस टू, तो माइनस टू है तो ब्रैकेट में लिख लेंगे इसको, प्लस क्या आ रहा है हमारे पास, वाई टू कितना है बेटा फाइव, ओके, और माइनस का इलेवन ब्रैकेट में रहेगा बिकॉज इट इज ऑफ माइनस साइन,
Whenever a number is having minus sign, I will prefer you that use it in bracket. Okay, it will help you in calculating the equations or solving the problem. Anything else? ठीक है. आपको क्या करेगा? वो आसानी देगा. माइनस साइन इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करवा देते हैं कि पूरा क्वेश्चन तड़ाम. ठीक है, चलिए सॉल्व करेंगे इसको. बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. तो टू प्लस वन थ्री, थ्री का स्क्वायर बेटा नाइन होता है. प्लस बेटा माइनस माइनस प्लस, इलेवन फाइव सिक्सटीन, सिक्सटीन का स्क्वायर बेटा कितना होता है? टू वन सिक्स होता है. ठीक है ना? टू वन सिक्स नहीं बेटा, टू फाइव सिक्स होता है. ओके, टू फाइव सिक्स. ओके, यहाँ से कितना जाएगा बेटा? ये अंडर रूट टू सिक्स फाइव. ओके, ये निकल के आ गया बेटा ए सी. तो अब मैं आपसे कहता हूँ, अब मैं आपको मेन कंडीशन बताने वाला हूँ कोलिनियर की. ठीक है, अभी तक तो सिर्फ डिस्टेंस निकाला था. कोलिनियर सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो प्रॉपर्टी क्या है? अगर दो साइड्स का सम, दो साइड्स का सम अगर तीसरी साइड के एग्जैक्ट बराबर आ जाए तो वो कोलिनियर होती हैं. और अगर वो इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो कोलिनियर नहीं है. कहने का मतलब ये है कि अगर बच्चे एक कोलिनियर होंगी तो पक्का पक्का स्ट्रेट लाइन में होंगी कि नहीं होंगी, ये बताओ. अगर ये ए बी है और ये सी है, अगर ये कोलिनियर है तो पक्का है कि स्ट्रेट लाइन में होंगी. और स्ट्रेट लाइन में होंगी तो गारंटी है भाई इसका सम और इसका सम इस ए सी के बराबर होगा या नहीं होगा. वही तो बोल रहा हूँ कि इन दोनों का सम ए सी के बराबर है, बड़ी साइड के बराबर है, तो वो कोलिनियर है. बहुत ध्यान से समझो बेटा, अगर इन दोनों का सम बड़ी साइड के बराबर है तो वो कोलिनियर है. और अगर इनका सम बराबर नहीं है, इसका मतलब ये पॉइंट है ही नहीं, यहाँ पर पॉइंट कहीं इधर उधर है. और अगर इधर होगा तो ऐसे बन जाएगा, उधर होगा तो ऐसे बन जाएगा, इधर है तो ऐसा बन जाएगा, कुछ भी बन जाएगा शेप, लेकिन कोलिनियर नहीं होगा. ठीक है, तो हम चेक करेंगे क्या इनका सम हमारा सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है. ठीक है ना, इसको हम चेक करके देखते हैं. बेटा ए ए बी की वैल्यू कितनी आई बच्चे? ए बी की वैल्यू आई थी हमारी रूट फाइव. ए बी की वैल्यू हमारी बेटा कितनी आई? रूट फाइव. बी सी की वैल्यू बेटा कितनी आई थी? आप याद करो, टू वन टू, अंडर रूट टू वन टू. और ए सी की वैल्यू आई हमारी बेटा टू सिक्स फाइव, टू सिक्स फाइव. तो बेटा क्या ए बी प्लस बी सी, ओहो एक सेकेंड देंगे जरा इनको, भाई चौक में डाल दें. ठीक, ए बी प्लस बी सी क्या बच्चे ए सी के बराबर है? क्या ये रूट टू वन टू, रूट टू वन टू मतलब क्या होगा बेटा? फिफ्टीन के समथिंग स्क्वायर, फिफ्टीन के. और रूट फाइव क्या होगा बेटा? टू का स्क्वायर समथिंग, सेवनटीन का स्क्वायर बन रहा है. और 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289 के आसपास. तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है. तो क्या है ये? अच्छा, आपको इतनी बात समझ में नहीं आ रही, बोले क्या बोल रहे हो सर इतना? बोले ठीक है, इतनी ज़रूरत भी नहीं है आपको, देख के लग रहा हो. आप नॉर्मल एडिशन करेंगे नंबर्स का भी तो भी ये आसपास नहीं आ रहे हैं. क्या ही है? नॉट इक्वल टू है. और अगर ये इक्वल टू नहीं है एक दूसरे के, इसका मतलब इन दोनों का सम इस बड़ी वाली साइड के बराबर नहीं है, नहीं है. और नहीं है तो ये कोलिनियर भी नहीं है. ये क्या है? एक ऐसे पॉइंट्स हैं जो अलग अलग जगह पर लगे हुए हैं, नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन. ओके, तो ये क्वेश्चन इतना ही था हमारा. काफ़ी बेटा तो छोटा क्वेश्चन है, लेकिन आपको बहुत लंबे तरीके से समझाता हूँ मैं, पूरा विश्लेषण उसका पूरा डिस्क्रिप्शन करके समझाता हूँ, ताकि आप एक बार पढ़ लो, आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत पड़े ना बेटा. ठीक है, ये क्वेश्चन आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको हटे हुए हम इसी वजह से. ठीक है ना, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है हमारा. अगला क्वेश्चन, चेक वेदर दिस दिस बेटा ये है टॉप क्लास क्वेश्चन आज का. ठीक है ना, यह है टॉप क्लास क्वेश्चन. इसमें आपको चेक करना है कि वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस. बेटा आइसोसेलेस की कंडीशन को बता सकता है यहाँ पर कोई? है बच्चा जो आइसोसेलेस की कंडीशन को बता सके? है, होगा, आसान है. तीन टाइप के ट्रायंगल बेटा ट्रिग्नोमेट्री में समझाए पहली वीडियो में, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलेन. स्केलेन में तीनों साइड इक्वल नहीं होती, इक्विलेटरल में तीनों होती हैं. और जो बचा कौन सा? आइसोसेलेस. आइसोसेलेस में बेटा दो साइड बराबर होती है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड बराबर होती हैं. तो इसको सर यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? तो यूज़ कुछ नहीं करना है, आप तीनों की साइड निकालिए, डिस्टेंस निकालिए, और आप पाएंगे कि दो साइड इक्वल आ जाएंगी. और अगर इक्वल आ गई तो आपका क्वेश्चन वहीं ख़त्म, क्योंकि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन चुका है. और नहीं आ रही है तो कुछ गड़बड़ हो रही है कैलकुलेशन में. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को. कोई अपना पुराना तरीका, एक्स टू माइनस एक्स वन बेटा क्या कर लेंगे? इसको फाइव माइनस टू को बेटा एक्स टू मान लो, वाई टू मान लो, और उसको x1 y1 मान लो. क्या हो जाएगा बच्चे?
फाइव माइनस सिक्स का स्क्वायर प्लस सिक्स माइनस टू माइनस फोर का स्क्वायर, ठीक है ना। क्या किया सर आपने ये बेटा, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। याद समझ लो, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, क्या होगा बेटा यहाँ से, फाइव माइनस सिक्स माइनस वन का स्क्वायर बेटा वन होता है, प्लस बेटा माइनस माइनस प्लस होते हैं, फोर और टू सिक्स, सिक्स का स्क्वायर बच्चे क्या होता है 36। तो बेटा यहाँ से क्या निकल के आ गया, ये अंडर रूट 37, ठीक है। एक साइड हमारी हमारे पास आ चुकी है। हाँ, अगर आप काम करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए और इसको सी मान लीजिए, तो आपको हल्का सा क्या रहेगा, थोड़ा सा हेल्प रहेगी लेट करने में, ठीक है ना। तो यहाँ तक हो गया बेटा ये, अब आगे बढ़ते हैं किसी, अब ये ए भी निकाल लिया हमने, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपके लिए, ए भी है ये। अब हम निकालने की कोशिश करते हैं बेटा बी सी को, बी सी को जब आप निकालेंगे बी सी, तो फिर सिक्स और फोर को एक्स टू वाई टू मान लीजिए, इस बार इसको मान लीजिए और इसको एक्स वन वाई वन मान लीजिए, तो क्या होगा, एक्स टू माइनस एक्स वन मतलब सिक्स माइनस सेवन। इस वीडियो को आप बेटा बार बार देख सकते हैं, अगर आपको कहीं पे समझ में ना आ रहा हो कि कहाँ पर मैंने कुछ लिया है, वाई वन क्यों लिया है, एक्स वन क्यों लिया है, उसको भी आप देख कर बार बार देख कर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन का फायदा यही होता है कि हमें अगर एक बार समझ में नहीं आता तो हम दूसरी बार भी देख सकते हैं, ठीक है, उसका यूज़ कर सकते हैं आप लोग। सिक्स माइनस सेवन का होल स्क्वायर प्लस फोर माइनस बेटा माइनस टू है तो ब्रैकेट में रख लेते हैं इसको, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, सिक्स माइनस सेवन बेटा माइनस वन का स्क्वायर बेटा वन होता है, प्लस बेटा फोर माइनस माइनस प्लस होता है, फोर प्लस टू सिक्स, सिक्स का स्क्वायर बेटा 36। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आने वाला है हमारा 37, ठीक है। देखिए क्वेश्चन तो यहीं पर ख़त्म हो गया है कि भाई 37 ये था, 37 ये था, लेकिन वो चेक करने को कह रहा है, इसका मतलब क्या पता तीसरी साइड भी 37 आ जाए और वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाए, तो अभी कंफर्म नहीं कह सकते कि आइसोसेलस है या इक्विलेटरल है या स्केलिन। देखो स्केलिन तो है नहीं, क्योंकि स्केलिन में एक भी साइड बराबर नहीं होती, लेकिन यहाँ पर दो साइडें हमारी बराबर आ चुकी हैं, इसका मतलब स्केलिन का ऑप्शन कट हो गया। अब बचा क्या है, इक्विलेटरल और आइसोसेलस, आइसोसेलस भी हो सकता है अभी ये और इक्विलेटरल भी हो सकता है, तो इक्विलेटरल है या नहीं है ये थर्ड साइड निकाल कर पता चलेगा, ठीक है ना। आप अभी क्वेश्चन नहीं खत्म कर सकते कि सर दो साइड बराबर आ गई, हमारा क्वेश्चन खत्म, ठीक है ना। अभी क्या पता तीसरी साइड भी इक्वल आ जाए, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, आइसोसेलस ट्रायंगल नहीं रहेगा, तो चेक करके देखते हैं हम लोग। थर्ड बेटा क्या करेंगे, थर्ड साइड को चेक कर लेंगे, क्या है बेटा हमारा पॉइंट कहाँ गया भाई ये। अब क्या करेंगे, इसको और इसको निकालेंगे, ये हमारा क्या निकला बी सी, अब हम निकालने की कोशिश करेंगे बेटा ए सी को, ओके ए सी निकालने की कोशिश करेंगे। पॉइंट्स क्या है बेटा, फाइव कॉमा माइनस टू, और दूसरा पॉइंट क्या है बच्चे, सेवन कॉमा माइनस टू। पहले वाले को एक्स टू बाई टू मान लेते हैं, ठीक है ना, और इसको क्या मान लेते हैं बेटा, एक्स वन और वाई वन, ओके ठीक है ना। रेड पेन थोड़ा दिक्कत दिया, ओके ओके ये लीजिए पेन भी चेंज कर दिया, वैसे भी पॉइंट अरे बाप रे का होगा, ठीक है, वैसे भी पॉइंट के नाम ही लिखे हैं, बस ऑक्स नहीं लिखा वहां पे। सुनो जरा आगे देखो, करना क्या है, अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन बेटा फाइव, बेटा बिल्कुल सही दिख रहा होगा है ना, चलिए आ जाइए, फाइव माइनस सेवन का होल स्क्वायर प्लस माइनस टू माइनस माइनस टू। बोले सर ये क्या हो रहा है, बड़ा अजीब लग रहा है देखने में, तो बेटा वैल्यू ही ऐसी ही, मैं क्या करूं, देखिए जरा, फाइव माइनस सेवन एक्स टू माइनस एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू मतलब माइनस टू माइनस वाई वन, वाई वन कितना बेटा माइनस टू ही है, तो बेटा कितना हो जाएगा यहाँ से, फाइव माइनस सेवन बेटा कितना होगा, फाइव माइनस सेवन माइनस टू होगा, माइनस टू का स्क्वायर बच्चे क्या होगा फोर। बेटा माइनस का हो चाहे प्लस का टर्म हो, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा बेटा, माइनस टू माइनस माइनस बेटा कितना हो जाएगा, बेटा बहुत अच्छे कट गया यहाँ पे, मजा आ गया। देखो सर क्या हुआ बेटा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो माइनस टू प्लस टू खत्म बेटा, ठीक है ना, ओके। यहां पर कुछ ठीक लग रहा है मुझे, ठीक है ना, फोर आ गया बस बेटा, कुछ बचा ही नहीं। चलिए फोर आ गया तो क्या करेंगे, फोर लिख देंगे बस, और फोर का रूट कितना होता है बेटा टू। अब आप देख पा रहे होंगे बेटा,
यहाँ पर मैं आपके लिए लिख देता हूँ पूरा फिर से, एक पूरा एवरेज लिख देता हूँ पूरा। आपका बेटा ए बी आया कितना, √37। बी सी कितना आया, √37। और हमारा ए सी कितना आया बच्चे, तो आप देख पा रहे हैं बेटा यहाँ पर टू साइड्स हमारी इक्वल आ रही हैं और एक साइड हमारी इक्वल नहीं आ रही है। और ये किसकी प्रॉपर्टी होती है बच्चों, ये हमारी आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है। इसलिए हम यहाँ पर लास्ट में आपको कह रहे थे ना चेक, तो हम यहाँ पर लास्ट में आंसर दे सकते हैं, हैंस द वर्टिसेस गिवन इन दिस क्वेश्चन आर इक्वल टू द आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, जो भी हमें वर्टिसेस दिए हुए हैं यहाँ पर वो क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल के ही वर्टिसेस हैं। ठीक है ना, ये बात यहाँ से प्रूफ हो जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हुआ हमारा। ठीक है ना, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं ये आप मुझे बता देंगे। ठीक है ना, कोशिश करेंगे कि अच्छे अच्छे कमेंट्स करें वीडियो के नीचे। ठीक है ना, काफ़ी मेहनत बेटा होती है। अब कल हमारी क्लास शायद नहीं हो पाई थी थोड़ी तबीयत की वजह से, आज हम आपके सामने पेश हैं और आपको आगे क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है बेटा, एक आध क्लास से ज़्यादा तो हो जाती, कोई बात नहीं। आप कंसिस्टेंसी अपनी स्टडी में जरूर रखिए। ठीक है, जितना मैं पढ़ाता जाता हूँ आपको उतना भी, अगर आपने कल पढ़ लिया होता, कल छुट्टी हो गई थी हमारी, तो उतने टाइम में आप उसको रिवाइज करते, है ना, आप उसको रिवाइज करते और आज जो आगे पढ़ा रहे हैं उसको पढ़िएगा। ठीक है, तो छुट्टी का तो मैटर कुछ है नहीं बेटा। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आती है, छुट्टी हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी छुट्टी होगी, आपके पास इतना कुछ है पढ़ने के लिए ना, तो आप उसको पढ़िए, पीछे का रिवाइज करिए। छुट्टी वाले दिन किसी भी दिन होता है, हम कोशिश तो पूरी करते हैं बेटा कि छुट्टी ना हो पाए, लेकिन किसी दिन काम लग जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है घर में वगैरह, थोड़ा हो जाता है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को और शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और कोशिश करेंगे कि अपनी मैथ्स जो है ना इतनी बढ़िया कर दें कि कभी मैथ्स के पोर्शन में तो दिक्कत नहीं आए। बाकी सब्जेक्ट्स में तो मेहनत जरूर करेंगे करेंगे, लेकिन मैथ्स के हम पूरी गारंटी ले रहे हैं। आप इन वीडियोस को देखते रहिए, करते रहिए क्वेश्चंस को, एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के जाएगा नहीं। हम जल्दी से एनसीईआरटी को खत्म करके और बुक्स को खोलेंगे, और बुक्स को भी खोलेंगे, आर एस अग्रवाल भी खोलेंगे। ठीक है ना, तो पहले इनको करेंगे, सारे क्वेश्चन खत्म कर डालेंगे, उसके बाद हम बुक्स पर चलेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और जुड़े रहिए हमारी वीडियोस से। कल हम इसके आगे के क्वेश्चंस कराएंगे, आपको मैंने 4 क्वेश्चंस कराए हैं, आगे के क्वेश्चन 7.1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, पूरी बुक को खत्म कर रहे होंगे आसानी से। ठीक है, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।